तो चलिए आज हम आपको सानवी से मिलवाते हैं कि सानवी देखिए अब कितनी बड़ी हो गई है। और देखिए आप लोगों को काफी दिन से इंतजार था सानवी से मिलने के लिए, तो चलिए आपको सानवी से मिलवाते हैं हम। आज नवरात्रा का पहला दिन है और हमारे घर पे कलश स्थापना हो रहा है, तो पंडित जी आए हुए हैं और कलश स्थापना करवा रहे हैं। तो मम्मी और पापा दोनों मिलके जो भी विधि है उसको जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और ये है हमारे घर में हर साल होता है, तो हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है और मम्मी और पापा दोनों मिलके कलश स्थापना कर रहे हैं। आज नवरात्रा का पहला दिन है और देखिए कुछ ऐसा तैयारी चल रहा है हमारे घर पे। और मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है जिसके कारण मेरा आवाज़ थोड़ा भारी है। आज वायरल फीवर हुआ है मुझे, तो देखिए काफ़ी अच्छा। ये जो नवरात्रा का जो पर्व होता है ना उसमें एक अलग सा एनर्जी घर में सारे मेंबर्स के बीच में आ जाता है, एक पॉजिटिव वाइब्स घर में आता है और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट बनता है घर पर और काफ़ी अच्छा लगता है। ये नवरात्रा का जो 9 दिन का पूजा होता है मतलब बिल्कुल ही एकदम अलग होता है और काफ़ी अच्छा। जिन जिनके घर में ये होता है वो लोग तो फील कर सकते हैं कि माता रानी जब घर पे आती हैं 9 दिनों का जो ये नवरात्रा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी मज़ा आता है। काफ़ी अच्छे से हम लोग सारे लोग मिल के पूजा करते हैं, आरती करते हैं। पुष्पाणि प्रतिताम पुष्पांजलि समर्पय सदा श्री महा भगवते दुर्गा दिव्य दुर्गा देवी आवामी अस्तप्यामि पूज्यामि सहित पुत्री दुर्गा दिव्य भ्यो नमः। चलिए तो पंडित जी अब पूजा करा के चले गए हैं क्योंकि आज पहला दिन था, कलश स्थापना रहता है तो पंडित जी को बहुत जगह जाना रहता है, तो आज तो कलश स्थापना सभी क्या वो पंडित जी ऐसे ही करवाए होंगे कि आज पहला दिन जो कलश स्थापना होता है वो कलश स्थापना ही सिर्फ होता है, विधि विधान के अनुसार पूजा होता है इनका माँ का होता है और फिर कल से पाठ शुरू होगा। तो आज पंडित जी कलश स्थापना करवा देते हैं और कल से पाठ शुरू फिर करेंगे क्योंकि आज तो कलश स्थापना सब लोग करवाएगा, माँ का चौकी रखा है तो सब लोग करवाएगा पाठ। तो पंडित जी पूजा करवा के चले गए हैं, आरती उरती सब हो गया, अच्छे से सारी तैयारी बढ़िया से हो गया था और चले गए हैं बाबा अब करवा के। अब शाम का हम लोग आरती का तैयारी कर रहे हैं। तो पंडित जी जब पूजा करवाते हैं तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, सामान निकालने में पूरा व्यस्त हो जाता है, तो थोड़ा सा साफ कर लेंगे उसके बाद आरती करेंगे। और इधर अभिषेक के पापा आरती का तैयारी कर रहे हैं और माँ को भी इस समय भी भोग लगता है तो माँ को भोग लगाएंगे और फिर आरती करेंगे। तो चलते हैं, पहले थोड़ा सा बाकी रह गया इसको हम सफाई कर लेते हैं। और ये जो निकलेगा जो भी पूजा रूम से निकलेगा वो 9 दिन के लिए हम लोग बाहर नहीं इसको फेंकेंगे या तालाब में नहीं डालेंगे, जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन ही हम सारा जमा करके रखेंगे ये सब पूजा रूम का, और जिस दिन विसर्जन होगा उसी दिन हम ये सब सारा जो पूजा रूम से निकलेगा उस दिन ही हम इसको पानी में ठंडा करते हैं हम लोग। इसलिए इसको भी अच्छे से इसको करके किसी थैला में करके इसको अच्छे से रखना होता है। तो चलिए सफाई हो गया, बाहर का सफाई तो बाद में भी कर लेंगे, अभी आरती का समय हो गया इसलिए पहले आरती कर ले क्योंकि समय से पूजा होना बहुत जरूरी होता है। और देखिए हमारे पूजा रूम में ही बेसिन है कि यहाँ पर ही पूजा रूम का बर्तन जो रहता है जो भी होता है हम यहीं पर धो लेते हैं तो अच्छा होता है, इधर उधर जाना ज्यादा नहीं पड़ता है और पूजा रूम में कोई जूठा कूठा हाथ नल छू नहीं सकता इसलिए शुद्ध रहता है। तो यहीं पर हम अपना सारा पूजा का बर्तन जो रहता है प्लेट या दिया जो रहता है वो सारा धो लेते हैं। चलिए अब धो भी लिए हैं और इसमें भी अभी अभिषेक के पापा घी करेंगे
जो रोज का जो हम दीपक जलाते हैं वो रोज का पूजा भी होता है और माँ का भी होता है। तो रोज का भी पूजा नहीं छोड़ना है और माँ का तो 9 दिन विशेष सेवा होता ही है। तो चलिए भक्तिभाव से हम लोग इनकी सेवा करें और माता रानी का सब पर कृपा बने रहे, हम लोग पर भी रहे और आप लोग पर भी, जितने भी व्यूअर्स हैं उन पर भी माता रानी का कृपा, उनके दया दृष्टि बना रहे, आप लोग भी अच्छे रहें और खुश रहें माता रानी की दया से। अब देखिए शाम का आरती होने हो जा रहा है और पापा यहाँ पे भोग लगा रहे हैं माता को। उस समय माँ का भोग अभी शाम को भी लगता है, तो अभी भोग लगा रहे हैं और उसके बाद अभी आरती करेंगे पापा। हाँ। और मम्मी भी इधर ध्यान दी हुई है भगवान में। हाँ। शंख में गिराइए, अब माँ का भोग लगा दिए हैं, अब उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। हम तो चलिए आरती करते हैं। कपूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगारम सदा वसंतम हृदयारविंद्र भवम भवानी शैतम नमामि। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें कौन से दिन ध्यावत मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी माता सिंधु विराजत सिखो मृग मदेखो उज्जवल सी दो नैना चंद्र बदन निको। जय अम्बे गौरी करत। अब पापा भी आरती ले रहे हैं। हाँ, अब आरती भी हो गया, अब आरती भी अभिषेक के पापा ले लिए, अब हम लोग भी ले लेंगे आरती। जय प्रभु माता रानी, और अभिषेक को भी दे देंगे यहाँ से आरती। तो अच्छी तरह से आज का पूजा बढ़िया से एकदम हो गया, सब कुछ हो गया। अब जाएंगे, अब अभिषेक के पापा के लिए अवनिया से खाना बनाना पड़ता है जो सिंधा नमक का है, क्योंकि अभी एक टाइम खाना खाते हैं वो सिंधा नमक से खाएंगे और रोटी खाएंगे और कुछ हरा सब्जी रहेगा लेकिन सिंधा नमक से बनेगा वो, और दही रहेगा, मैंने जो मैंने इनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा उसमें खाना में देख के देना पड़ता है। तो अभी जा रहे हैं, अब खाना बनाएंगे इनके लिए। तो चलिए आज हम आपको सानवी से मिलवाते हैं कि सानवी देखिए अब कितनी बड़ी हो गई है। और देखिए आप लोगों को काफी दिन से इंतजार था सानवी से मिलने के लिए, तो चलिए आपको सानवी से मिलवाते हैं हम। आप सानवी से मिले तो आप बताइएगा कि सानवी आपको कैसी लगी अभी। तो अभी तो आप वीडियो में आप देखे हैं लेकिन अभिषेक जाएगा लाने के लिए सानवी, काफी दिनों के बाद आप लोग भी देख पाए। हाँ। जब आप लोग देखे तो उस टाइम और अभी देखिए सानवी कितनी बड़ी हो गई, बड़ी हो गई है और काफी चेंजेस भी आ गया है सानवी के एक्टिविटी में, फेस में, सारे कुछ में चेंजेस आ चुका है अभी। तो कल मैं लाने जाऊंगा रिचा और सानवी को, तो कल आने वाला जो ब्लॉग आएगा हमारा उसमें आप लोग को देखने को मिलेगी रिचा और सानवी, और जो हमारा फैमिली ब्लॉग है जो कंप्लीट फैमिली हमारा है तो वैसा चलते रहेगा, फिर आप लोग देखते रहिएगा। फिर तो आज का जो वीडियो और फोटोज आपने सानवी का देखा तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सानवी कैसे लगी। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खुश रहें, माता रानी का कृपा आप लोग पर बना रहे। बाय बाय।